हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ 20 हाई सैलरी कोर्सेज कौन से हैं जिससे आप बढ़िया जॉब पा सकते हैं आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। अगर आप क्लास ट्वेल्थ पास हैं और उसके बाद आप ये कोर्सेज कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। तो कौन से कोर्सेज हैं? बैचलर ऑफ साइंस, ये पूरे सारे साइंस के लिए हैं। डाटा साइंस से कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर लीजिए, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से कर लीजिए बीएससी, नर्सिंग कर लीजिए बीएससी नर्सिंग, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में आप बैचलर साइंस की डिग्री ले लीजिए। तो ये वो सब कोर्सेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं आजकल जो है। पहला है एक जो आपने देखा बैचलर ऑफ साइंस डाटा साइंस का है, बैचलर ऑफ साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बैचलर ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है, बैचलर ऑफ साइंस इन फैशन डिज़ाइनिंग है। तो ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इन कोर्सेज में आप अप्लाई करके एक अच्छी जॉब 101% आप पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही 20 हाई सैलरी कोर्सेज जो आफ्टर ट्वेल्थ। तो शुरुआत की ये पाँच, आगे देखिए और कौन सी हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, बहुत आजकल ज़रूरत है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको BCA बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको BBA बोलते हैं, और उसके बाद होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसको BTech के नाम से जानते हैं हम लोग, और उसके बाद है बैचलर ऑफ मेडिसिन जिसको हम MBBS के नाम से जानते हैं। ये कोर्सेज साइंस वाले बच्चों के लिए हैं ज़्यादातर, चाहे वो बायो स्ट्रीम से हों चाहे वो मैथ स्ट्रीम से हों, उन्होंने ट्वेल्थ कर रखा हो तो उनके लिए ये कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इन कोर्सेज को आप करिए और आपको अच्छी जॉब आपको मिल सकती है भविष्य में। तो फिर से एक बार देख लिए, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है आजकल, बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो इसके जो एक्सपर्ट हैं उनकी लाइफ आगे समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से सेट है। अगर उनके पास BSc इन साइबर सिक्योरिटी या MSc वगैरह है तो वो आगे डेवलप कर ले जाएंगे, उनका फ्यूचर अच्छा होगा। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ साइंस इन डिजिटल मार्केटिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ साइंस इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। ये कोर्सेज भी साइंस साइड वाले बच्चों के लिए हैं, ये भी बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में कोर्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड है। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का तो आजकल बहुत ज़्यादा ज़माना, आजकल बहुत सारी मूवीज़ ऐसे आ रहे हैं, सीरियल्स आ रहे हैं, कार्टून्स आ रहे हैं जिनमें एनिमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, जिधर देखिए उधर डिजिटल मार्केटिंग नेटवर्किंग का बिजनेस फैला हुआ है, आजकल हर कंपनियां जो हैं अपना नेटवर्क फैला रही हैं और आजकल डिजिटल प्रमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड है इन सारी चीज़ों की। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा एक बैचलर कोर्स है। आफ्टर ट्वेल्थ अगर आप इसको कर लेते तो आपकी भी अच्छी खासी जॉब जो है किसी भी 5-star 6-star होटल में आपको मिल सकती है। आगे लास्ट के पांच सबसे बेस्ट कोर्स हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बैचलर ऑफ साइंस इन नैनो टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, ज़्यादातर लोगों को इन कोर्सेज के बारे में पता तक नहीं होगा, नाम तक नहीं सुने होंगे कि इस टाइप के भी कोई कोर्स होते हैं। अगर आप इन कोर्सेज को आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 101% आपको जॉब, अच्छी जॉब आपको ट्वेल्थ के बाद मिल सकती है अगर आपने ये कोर्सेज आपने कर लिए हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में इन कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन शहर है वहाँ पर इन कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो छोटे मोटे जो शहर हैं कानपुर जैसे शहरों में भी इन सब्जेक्ट की डिमांड अब धीरे धीरे बढ़ रही है, पर आने वाले फ्यूचर में इनकी डिमांड भाई बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने सपना देखा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई सैलरी वाली जॉब भविष्य में करेंगे तो आज ही इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लें, पता करें और इनको कंप्लीट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये इस साल की मेरी कोचिंग का परफॉर्मेंस है, अविका राजपूत 98% लाई हैं आपकी बार बोर्ड एग्ज़ाम में, रिया कुशवाहा 97%। तो ऐसी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें।
वीडियोस को। ओके, थैंक यू सो मच।